भारत में इस समय सबसे प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024 खेले जा रही है। यह टूर्नामेंट इस सीजन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए 8 टीमें तय हो चुकी हैं। 38 टीमों के बीच 5 जनवरी से शुरू हुए टूर्नामेंट में 30 टीमें बाहर हो चुकी हैं। अब 23 फरवरी से अंतिम 8 टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल का स्केड्यूल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। इस बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक, मुंबई, बड़ौदा, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीमें पहुंचने में कामयाब हुई हैं। क्वार्टर फाइनल में पहला मुकाबला विदर्भ और कर्नाटक के बीच होगा, वहीं दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मुंबई और बड़ौदा के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला तमिलनाडु और सौराष्ट्र के बीच खेला जाएगा, वहीं चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच खेला जाएगा। स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले 23 फरवरी से 27 फरवरी तक खेले जाने हैं। इसके बाद 2 मार्च से सेमीफाइनल की जंग शुरू हो जाएगी। सेमीफाइनल को अपने नाम करने वाली 2 टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी, जिनके बीच 10 मार्च से खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। अब इस पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सी वो टीम होगी जो इस बार की रणजी ट्रॉफी अपने नाम करके ले जाएगी? इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।